नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र। लॉकडाउन की समय सीमा को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया है कि कल से भगवान श्री कृष्ण धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। धारावाहिक श्री कृष्ण को रामानंद आर्ट्स के प्रोडक्शन में बनाया गया था। श्री कृष्ण 1993 में दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पर प्रसारित हुआ था और इसके बाद 1996 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। शो में श्री कृष्ण का किरदार सर्वदमन डी बनर्जी ने निभाया था। सर्वदमन डी बनर्जी को इस शो से काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। लोग उन्हें सच में भगवान कृष्ण ही समझते थे। आइए आज हम उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। सर्वदमन डी बनर्जी का जन्म एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में 14 मार्च 1965 को हुआ था। उनकी पढ़ाई सेंट अलोसियस स्कूल कानपुर से हुई। उसके बाद उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिल्मों में चले आए। टीवी पर उनके कुछ खास सीरियल इस प्रकार से हैं, श्री कृष्ण, अर्जुन, जय गंगा मैया और ओम नमः शिवाय, जिनमें उन्होंने भगवान के किरदार निभाए और भली भांति अपने किरदार के साथ इंसाफ किया, और वही किरदार आज उनकी ज़िंदगी में भी दिखाई पड़ते हैं। फिल्मों की शुरुआत उन्होंने 1983 की आदि शंकराचार्य से की थी। महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर आधारित फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी के कोच के रूप में भी वह नजर आ चुके हैं। उनकी टीवी और फिल्मों की जिंदगी की तरह उनकी निजी जिंदगी भी काफी साफ सुथरी है, लेकिन एक्टिंग को उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उसके बाद वो शांति के लिए जीना शुरू कर चुके थे और ऋषिकेश की सुंदर और हरी भरी वादियों में रहने लगे। अब सर्वदमन डी बनर्जी हिमालयी राज्य उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहते हैं। वो निशुल्क योग एवं मेडिटेशन क्लास चलाते हैं। वो लोगों को आध्यात्म सिखाते हैं, साथ ही वो पंख नामक एक संस्था से जुड़े हुए हैं जिसके साथ मिलकर वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करते हैं।